हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बबीता की रसोई में। आज की रेसिपी है अंडा और मैगी। चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मैं अंडा मैगी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पैकेट मैगी लिया है और यहाँ 5 अंडे ली हूँ। पहले अंडे को तोड़ लेती हूँ। ऐसे में सारे अंडों को तोड़ लेती हूँ मैं कटोरी में। मैं यहाँ पे 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अंडे को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है कटा हुआ, टमाटर लिया है 1 कटा हुआ, यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली हूँ कटी हुई। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम हो गई है। मैं तेल डाल रही हूँ सरसों का थोड़ा सा। तेल गरम हो गई है। अंडा डाल रही हूँ टूटा हुआ। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है मिक्स, बस नमक थोड़ा सा डाली है। भुजिया बनाएंगे हम। भुजी हम भुजी बना लेते हैं अच्छे से। मैंने कुछ नहीं डाला है, अभी सिर्फ थोड़ा 1 चुटकी नमक डाली हूँ। इसको हम ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा छोटा ही रखेंगे। ये अंडे की भुजी बन चुकी है, हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसमें थोड़ा सा और सरसों का तेल डाल रहे हैं। फ्रेंड्स मैं हरी मिर्च कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे खाएंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो आप 2 से 4 मिर्ची डाल सकते हो, या फिर लाल मिर्ची पाउडर वाली डाल सकते हो आप। मैं यहाँ कटी हुई प्याज डाल रही हूँ।
प्याज भून चुकी है, मैं कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ, नमक थोड़ी सी नमक टमाटर को गलाने के लिए। मैगी मसाला में नमक बहुत होता है, कम डालेंगे नमक। इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं पिसी हुई मसाला डाल रही हूँ, लहसुन अदरक मिर्ची पिसी हुई है सिलबट्टे की, आधी चम्मच से कम है। मसाला भून चुका है, इसमें मैं भुजी डाल रही हूँ अंडे का। इसमें मैं अब पानी डाल रही हूँ। इसमें मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ। मैं इसे उबलने दूंगी। ये अच्छे से उबल जाएगा फिर हम इसमें मैगी डालेंगे। इसको उबलने के लिए छोड़ दिया है मैंने। ये उबल गया है, अब हम इसमें मैगी डालेंगे। मैंने इसे प्लेट में निकाल ली थी। हम 2 मिनट पकाएंगे, ढक्कन ढक देते हैं। इसको हम देखते हैं, 2 मिनट हो गया है। इसको चला लेते हैं।
इसमें मैं कटी हुई धनिया पत्ता डाल रही हूँ। इसका पानी थोड़ा सा सुखा लेंगे हम। थोड़ा पानी है, थोड़ा सा सोख जाएगा पानी, फिर हम इसे उतार देंगे। फ्रेंड्स ये पानी सोख गया है, मेरा अंडा मैगी बन गया है। मैं गैस बंद कर देती हूँ। मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि कैसा बना है, आप कमेंट में लिखिएगा। फ्रेंड्स अंडा मैगी रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। थैंक यू।